हेलो फ्रेंड्स, ये बॉर्डर का डिजाइन लेके आई हूँ मैं। देखिए, बहुत सुंदर लगता है ये बॉर्डर, और आप चाहें तो इसे पूरी स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हो। और केवल एक रो का ये डिजाइन है, इसमें सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से देखिए एक ही जैसा आता है ये बॉर्डर। यहाँ से भी ये ऐसे ही आएगा और यहाँ से भी ये ऐसे ही दिखेगा, और बिनना भी दोनों तरफ से इसको सेम ही है, एक ही तरीके से बिनना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिजाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं। ये डिजाइन हमारा 4 4 फंदों का ये डिजाइन है, लेकिन ये डिजाइन जो है आपका, आप कितने भी फंदे डालेंगे इसमें वो एडजस्ट हो जाता है। ये डिजाइन मैं आपको 19 फंदों में बना के दिखा रही हूँ। 4 फंदों की ये बिनाई है और 3 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं, ताकि अगर आपके पास ज्यादा फंदे हैं तो आपको कैसे एडजस्ट करना है इस डिजाइन को वो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो पहली सिलाई है हमारी, तो पहले 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। एक, दो, तीन। उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम बिना बिना इससे उतार लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, ये 4 फंदे हो गए हैं डिजाइन के। फिर यही 4 फंदे हमें बार बार दोहराने हैं। तो अब फिर से 4 फंदे हम, वो सॉरी 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। तो एक, दो, तीन। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करा, 3 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन। धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागे को आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर अगर 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो हम केवल 2 ही फंदे बिनेंगे, 3 आ रहे हैं तो 3 फंदे उल्टे। तो ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन दिए। अब हम आए हैं इसकी रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में देखिए, जो बिने हुए फंदे हैं हमें, उन्हें हमें पहले हम उनको बिन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, अब हमने ये 2 फंदे बिने उल्टे। अब ये हमने जो पीछे बिना नहीं था फंदा, जो हमने ऐसे ही स्लिप कर लिया था फंदा, इस वाले फंदे को हमने बिना नहीं था। तो अब जो है हमारा जो डिजाइन है वो यहाँ से शुरू होगा। देखिए, ये एक फंदा हो जाएगा और जो बिना नहीं था फंदा वो बीच में आना चाहिए हमारा। तो ये वाला फंदा हमारा बीच में आ रहा है और ये एक फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो जाएगा। इसको बिन लेंगे इस बार, तो 2 और ये 3 फंदे। ये 3 फंदे हो गए। अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है, तो धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन। धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन। धागा पीछे करेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे। धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे। एक, दो, तीन। धागा पीछे करेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा। देखिए, अब थर्ड रो में आ गए हम। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ये एक ही पैटर्न चल रहा है हमारे, दोनों तरफ से एक ही जैसा बिन रहे हैं हम। लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो हमने स्लिप करा हुआ फंदा है वो हमारा बीच में आना चाहिए, जो हम 3 फंदे उल्टे बिन रहे हैं उसके बीच में आना चाहिए। तो ये एक, अब ये हमने स्लिप करा था फंदा, 2 और ये 3। अब देखिए, ये सीधा फंदा आपको दिखने लग जाएगा जब 2 सिलाइयां आप बिन लेंगे, उसके बाद ये एक सीधा फंदा दिखने लग जाएगा। अब इसी फंदे को हमें स्लिप करना है हर बार। तो धागा पीछे करेंगे, ये फंदा स्लिप करा, धागा आगे करा, फिर 3 फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, फिर इस फंदे को बिना बिना उतार लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लिया। धागा आगे करा,
तीन फंदे उल्टे, ये देखिए जो हम स्लिप कर रहे हैं पिछली वाली सिलाई में वो हमारा हमेशा बीच में आ रहा है फंदा, जो तीन फंदे उल्टे बिन रहे हैं उसके। ये तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करा, इसको स्लिप कर लिया, फिर तीन फंदे उल्टे। ये देखिए डिजाइन आने लग गया है। फोर्थ रो भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये फोर्थ रो है, फोर्थ रो में भी ऐसे ही बिनना है। देखिए अब यहाँ पे ये आ रहा है सीधा फंदा, मतलब हमें इस वाले फंदे को बिना बिना उतारना है। तो ये एक दो तीन चार पांच, यहाँ से पांच फंदे हमारे उल्टे बिनेंगे। ये हमारे पास फंदे ज्यादा थे तो डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए इस साइड से हमारे पांच फंदे उल्टे हो जाएंगे। फिर ये एक सीधा फंदा आ गया, इसको स्लिप करना है, धागा पीछे करा, इसको बिना बिना उतारा, फिर धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए सीधा फंदा है, इसी को हमने ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है, इसको स्लिप करना है, धागा आगे करा, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर ये सीधा फंदा आ गया, इसको धागा पीछे करके इसको ऐसे ही उतार लिया, धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये हमारा डिजाइन ये बनने लग गया है, इस तरीके से दिख रहा है ये। अब इसी एक रो को हमें आगे बढ़ाते जाना है, दोनों तरफ से एक ही तरीके से बिनना है। तो जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये जब आप इसी एक रो को बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा और दोनों साइड साइड से ये सेम दिखेगा। ये देखिए दोनों तरफ से एक ही जैसा आ रहा है। थैंक यू।